जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस झारखंडी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजेड क्लास। झारखंडी स्टाइल में झारखंडी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 मैट्रिक वाले बच्चे, ठीक है, क्लास 10 में जो पहुंच चुके हैं, और उनका नागरिक शास्त्र का आज ये वीडियो चैप्टर 1 का वीडियो, दूसरा वीडियो, ठीक है, पार्ट 2 है, यानी कि आपका अध्याय 2 कहिए या चैप्टर 2 का, आज का वीडियो का नंबर 2, वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, पिछला क्या बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके थे। बेल्जियम अब यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हरियाणा के क्षेत्रफल से, ठीक है, कम है, और उनकी आबादी हरियाणा के आबादी के आधी है। वही, ठीक है, उसमें ही निम्न जाति बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत जटिल था। एक था फ्रेंच, दूसरा डच, एक था, ठीक है, उसी तरह के 59%, 40% और 1% जर्मन वाले। तो वो किस तरह पे, उन पे भी जो, आप अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक में दिया हुआ है, पिछला वीडियो देखिए और आराम से आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। चलिए वीडियो नंबर 2 में आज बात करते हैं हम श्रीलंका की। आप वीडियो नंबर 2 में क्या बात करेंगे, श्रीलंका, श्रीलंका था क्या। तो श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के स्टाइल में नहीं करेंगे मुथैया मुरलीधरन जैसा, श्रीलंका की बात करेंगे। तो चलिए श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। श्रीलंका क्या है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। तमिलनाडु के जो तट है ना, जो समुद्री इलाका है, ये एक बहुत बड़ा द्वीप है, क्या है, आइलैंड है श्रीलंका। और ये क्या है, एक बहुत बड़ा द्वीपीय देश है। ये समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ है, जो तमिलनाडु से देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनकी आबादी, श्रीलंका की आबादी लगभग क्या है, 2 करोड़, यानी कि हरियाणा राज्य के बराबर, ठीक है। अब दूसरी बात, श्रीलंका आजाद होने से 48 में, 1956 में कानून बना। इनके भी कैसे कैसे जाति है, इनमें भी बहुत अलग तरह के जाति है। दो जो बहुत महत्वपूर्ण जो जाति है, एक सिंहली, दूसरा तमिल, और फिर तीसरा क्रिश्चियन, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा पूरी ब्लैक बोर्ड यानी कि व्हाइट बोर्ड की तरफ अपना दिशा और दशा वहां को इधर केंद्रित करें, डायरेक्ट डायरेक्शन इधर लाए, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। हम आपको एक एक पॉइंट बता देंगे, एक एक पॉइंट ऐसे बताएंगे आपको लिखने में कभी परेशानी नहीं होगी। चलिए बने रहे, नए वाले व्यूअर प्लीज टप से करें, फिर से टप से करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें, रेड वाले को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। श्रीलंका, हिंदी में भी श्रीलंका, रावण भारत, भौगोलिक ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसे है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, कैसा है, आइलैंड वाला, जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो तमिलनाडु का दक्षिणी है, जो दक्षिण छोर है, जो तमिलनाडु का, ठीक है, उससे कुछ ही किलोमीटर यानी कि हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर के दूरी पर मौजूद है, ठीक है। चलिए, आधा किलोमीटर के दूरी पर मौजूद है। अब आबादी कैसी है, आबादी करीब 2 करोड़, हरियाणा के बराबर आबादी करीब 2 करोड़। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेकर आराम से उसका नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट को भी अगर बोलिएगा तो मैं कमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज, हम आपको एक टाइम देते हैं, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका जातीय बनावट कैसा था, आबादी करीब 2 करोड़ हरियाणा के बराबर, जातीय बनावट कैसा था, ये इसका कास्ट सिस्टम कैसा है। तो इसकी सबसे सिहली जाति वहां पे 3 है, एक सिहली, तमिल और एक क्रिश्चियन, चलिए ईसाई। तो सिहली जाति कैसा है, सिहली कुल आबादी का 74%, यानी सिहली जो जाति है उनके 2 करोड़ का 74% आबादी सिहली का है, यानी बहुसंख्यक आबादी सिहली है। तमिल कितने है, तमिल 18% है, तमिल 18। इन 18 में 2 तरह के तमिल है, एक है श्रीलंकन तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%। 2 तरह के तमिल है, एक है श्रीलंकन तमिल, दूसरा है भारतीय तमिल 5%। ये भारतीय तमिल आए कैसे, तो कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल में, बगान काल में, जब औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों ने शासन भारत में शुरू किया तो और भी देशों को गुलाम बनाया, और वो क्या करते कि गिरमिटिया मजदूर, आप समझते हो, वही गिरमिटिया मजदूर, यानी कि भारत के लोगों को दूसरे देशों में ले जाकर हटाया जाता था, कार्य कराया जाता था। जैसे कि आप देखेंगे वेस्ट इंडीज में बहुत ऐसे इंडियन मूल के सुनील नारायण खेलते हैं,
ठीक है, चंद्रपोल खेलते हैं, तो वो क्या थे, गिरिमिटिया मजदूर के ही वंश हैं। तो इसी तरह यहाँ के लोगों को औपनिवेशिक काल में जब उपनिवेश किया जा रहा था, देशों को गुलाम बनाया जा रहा था और यहाँ के धन दौलत को लंदन ले जा रहा था, उसी के समय यहाँ के लोगों को श्रीलंका ले जाकर वहां बगान में चाय पत्ती वाला काम करने के लिए उनको मजबूर किया गया था। तो वही जो बस गए, अब जब वहां बस गए तो उनकी आबादी 5% थी, ठीक है, ईसाई 7% थे, और ये 7% ईसाई सिंहली भाषा भी बोल लेते थे और तमिल भाषा भी बोल लेते थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ ना, हम बोले पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अब चलिए इसका पार्ट टू इधर देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटेरियन। तो मेजोरिटी जो था श्रीलंका में क्या था, किसका, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटी किसकी थी, तो चलिए श्रीलंका आजाद स्वतंत्रता प्राप्त यानी आजादी कब लेता है, 1948 यानी 1948 ईस्वी में। कानून कब बनता है, देखिए 1956 में कानून बनाया गया, क्या कि सिंहली कानून बनाया गया 1956 में। उस कानून के अंदर क्या क्या बातें थी, उस कानून के अंदर हम एक एक पॉइंट को आपके सामने रखे हैं। चलिए पॉइंट नंबर वन, सिंहली को राजभाषा, तो यानी कि सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया क्योंकि सिंहलियों की आबादी ज्यादा थी। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जब कोई देश दूसरे देश के अंदर से गुलाम रहता है और गुलाम रहने के बाद जब आजाद होता है तो उस देश में किसी एक की आबादी 90% हो और एक की आबादी 10% क्यों ना हो, लेकिन उस देश पे आप दोनों का अधिकार समान होता है। तो अगर आप शासन चलाते हैं तो दोनों के कल्चर, दोनों के संस्कृति, दोनों के धर्म, दोनों की आस्था, उनके हर चीज को आपको ध्यान रखकर ही चलना होगा। लेकिन अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें है दूसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता। अगर देखा जाए विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में सिंहली जाति को प्राथमिकता देने का प्रावधान, देने का प्रपोजल रखा गया। चलिए अब पॉइंट नंबर थ्री, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा। कहने का मतलब जब नया संविधान बनाया गया तो नया संविधान में क्या गया कि जो बौद्ध मत है, मत मतलब जिसको मानने वाले, तो बौद्ध मत मतलब क्या कहेंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं यानी कि जितने भी सिंहली जाति, तो वो सारे बौद्ध धर्म को ही मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म को ये बढ़ावा दिया गया कि श्रीलंका में अगर देखा जाए राज धर्म के रूप में तो बौद्ध धर्म होगा। कहने का मतलब यही है, उसका संरक्षण भी किया जाएगा और बढ़ावा भी दिया जाएगा, और जो अल्पसंख्यकों का धर्म है उनके बारे कुछ कहा गया नहीं है। चलिए कानून के कारण तनाव, अब इस कानून के कारण तनाव हुआ तो क्या हुआ, तो चलिए इसको भी देखते हैं। श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी, इस कानून के कारण श्रीलंका में बसे तमिल को नाराजगी, गुस्सा जाहिर किया, ठीक है, किस पे किए, तो आप समझ रहे हैं। चलिए शासन को लेकर उनमें बेगानापन, अब क्या हुआ कि जब शासन कर रहे तो उनके प्रति बेगानापन कि हमें देख रहे नहीं देख रहे। कभी कभी आप देखते हैं स्टोरियों में, घरों में, कि एक अगर एक बेटे को अगर मानता है, एक बेटा को नहीं मानता है, तो बोला जाता है हम बेगाना है, हम गैर हैं। तो इसी तरह श्रीलंका अगर एक देश है, पिता तुल्य देश है, पिता के समान माना जाता है अगर देश, तो उसका एक बेटा सिंहली है तो क्या दूसरा बेटा तमिल को ऐसे किया जाएगा अत्याचार, नहीं ना। तो यही चीज को बोला कि तमिलों में नाराजगी का कारण क्या था कि एक बेटा को देखा जा रहा है, एक बेटा को नहीं देखा जा रहा। चलिए दूसरा नंबर, शासन को लेकर उनमें बेगानापन, ये भी बता दी कि राजनीतिक शक्ति जो थी कि शासन करने का, कि जिसकी आबादी अधिक थी उसी को शासन का मजा मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ये थी श्रीलंका के बारे कुछ और टॉपिक, आपके कुछ और पॉइंट अभी आपको हम बताते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो चलिए ये एनसीईआरटी बुक हम लेके आए हैं और पॉइंट नंबर कुछ कुछ पॉइंट को हम आपके सामने वन बाय वन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ लिए, तो तीसरा पॉइंट क्या बोला, बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी पार्टियों को तमिल भाषा तथा संस्कृति भाषा का अनदेखी, यानी बौद्ध और बौद्ध जाति और बौद्ध भाषा
और सिहनी जाति के जितने भी पार्टी बने थे उन्होंने क्या किया, तमिल भाषा और तमिल की संस्कृति के प्रति असंवेदनशील यानी अनदेखी यानी नजरअंदाज करने लगे। क्यों? नया कानून के बाद। अब तीसरा, कोई भी राजनीतिक दल तो उसी को खुश करेगा ना जिसकी संख्या अधिक है। अब किसी भी अल्पसंख्यक के भरोसे तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं होगी, तो वो तो करेगा ही खुश। हम लोग जान सकते हैं, इसका सीधा उदाहरण आप जान सकते हैं, ठीक है? आप बहुत सारे देश है पढ़िए। संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित। अगर देखा जाए संविधान और सरकार की नीतियां, संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीति से वंचित करें। जिस तरह सिहनियों ने राजनीति कर रहा था उसी तरह से वो तमिल अपनी समान राजनीति करने में असमर्थ हो गए। उनको उस बराबरी का राजनीति नहीं मिल रहा था। कब? नए कानून का बनने के बाद। चलिए देखिए, नौकरियों और फायदों में भेदभाव। अब देखिए, जहां जहां नौकरी है जहां जहां फायदा है वहां तमिलों के साथ भेदभाव। हम और भी पॉइंट पढ़ते हैं। श्रीलंकाई, हाँ, प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या हुआ देखिए, तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। जब इनको अनदेखा करने लगा, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा था, तब तो इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली। जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। क्यों बनाई अपनी पार्टी? देखिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, और जब अपनी पार्टी बनाई तो तमिल को राजभाषा बनाना भी पसंद किया कि हमारी पार्टी तो हम कम से कम तमिल को भी राजभाषा बनाए। इसका उन्होंने पुरजोर आंदोलन किया। इसलिए क्यों? क्योंकि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। यानी कि शिक्षा और रोजगार, जो भी जॉब वैकेंसी और एजुकेशन में समान अवसर, कि जिस तरह सिहनी सिहनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे उसी तरह तमिल भी तमिल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और तमिलियन लैंग्वेज में ही एग्जामिनेशन या किसी भी प्रकार का वैकेंसी का जो एग्जाम होता है उस सब उसी परीक्षा उसकी परीक्षा उसी माध्यम से उसी भाषा के अनुरूप देंगे, अनुसार देंगे, ठीक है? चलिए अब और कुछ पॉइंट होगा देखते हैं। तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों लगातार नकारा। लेकिन तमिल जो अपने आबादी वाले इलाकों में अपनी स्वायत्तता, अपनी मालिकाना, अपना राज्य जो चाहते थे, ये सिहनी हमेशा उनको नकारते रहे। अब बात करते हैं 1980 के दशक में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार की मांग। कहाँ पे? तो जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका है, उत्तर पूर्वी श्रीलंका, बात करते हैं श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भाग में। क्या करते हैं 1980 में स्वतंत्र तमिल इलम, स्वतंत्र तमिल इलम, इलम का मतलब तमिल में सरकार होता है, तो स्वतंत्र सरकार की मांग करने लगे। यानी कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में किसकी सरकार हो? तमिलियन की सरकार हो, जो स्वतंत्र रूप से चले। चले, इसके परिणाम क्या हुआ? नकारा गया तो परिणाम क्या हुआ? जब आप मांग करते हैं देश में अपने, तो इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका रिजल्ट आप सीधे देख सकते हैं क्या हुआ। इसका रिजल्ट हुआ गृह युद्ध। क्या? सिविल वॉर। क्या? सिविल वॉर। जो सिविल वॉर कब तक चला? 2009 तक। और दोनों पक्षों दोनों तरफ से हजारों हजार लोग मारे गए। चलिए, और अपने मुल्क से भागकर रिफ्यूजी कैंपों में चले गए, शरणार्थी बन गए, उसी को रिफ्यूजी कैंप भी बोलते हैं, और शरणार्थी बन गए, दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए दोनों। अब और रोजी रोटी दोनों की चौपट हो गई, जो श्रीलंका कल तक, हाँ चलिए अब देखा जाए, अगर हम अपना इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे पहला पार्ट में, तो वहां पे दिया गया है कि 10वीं कक्षा के अगर हम अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले मैंने पहला चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। देखा जाए अगर हम वहाँ के इकोनॉमिक पावर, जिस समय गृह युद्ध नहीं हुआ था, तो गृह युद्ध से पहले देखा जाए श्रीलंका, हम अपने इकोनॉमिक क्लास 10 अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, कि श्रीलंका को जो आर्थिक विकास का जो दर था उसमें देखा जाए आर्थिक, शिक्षा का, हेल्थ सेक्टर का, स्वास्थ्य उसी को कहते हैं, इन सब मामलों में वो हमारे देश से भी बेहतर था उस समय जब गृह युद्ध नहीं हुआ था। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन गृह युद्ध ने मुल्क के सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा की। लेकिन जब 2009 में, सॉरी 1980 के बाद जब गृह युद्ध हुआ, तो उस
क्या कि श्रीलंका की कमर तोड़ दी और आर्थिक विकास और वहाँ के सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसे बनावट सबको बर्बाद कर दिया और उनके संस्कृति को भी बिगाड़ दिया, जो जिसके परिणाम क्या थे हम बता ही दिए। गिरियुद्ध गिरियुद्ध ने सारे सोसाइटी एक दूसरे से अलग कर दिया। तमिलियन सिंहलियों को पसंद नहीं कर रहा, सिंहली तमिलियन को पसंद नहीं कर रहा और ये बहुत लंबा चला, जैसे 2009 में अंत हो गया। ठीक है, तो ये था श्रीलंका का स्टोरी। अब हम अगला बार चलेंगे कि श्रीलंका में तो ये हो गया, लेकिन हाँ बेल्जियम में क्या हुआ। तो जब हम कल का स्टोरी, अब कल के पार्ट थर्ड में अगर आप देखेंगे, हाँ तीसरा वीडियो में देखेंगे कि बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम ने समझदारी अपनाई कि वो भी युद्ध के सहारे चला, क्या किया, हम सारे कुछ जानेंगे। ठीक है, जैसे एक घर में क्या होता है बहुत आप भी जानते हैं, तो उसी तरह से पारिवारिक स्टोरी जैसा कि श्रीलंका तो अपने आप में समझदारी नहीं दिखाया और वो क्या हुआ कि लड़ाई कटाई सब के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन कल हम देखेंगे श्रीलंका के बेल्जियम की बात है, बेल्जियम के बाद देखेंगे इस चैप्टर के थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, किस तरह के सवाल जवाब आ सकते हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए रंग के साथ। तब तक के लिए एकदम अच्छे से पढ़िए और जो डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, जय हिंद एंड जय झारखंड।